कोविड-19 के चलते अस्त व्यस्त हो चुके हालातों को फिर से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर सरकार और प्रशासन अब एक बार फिर से कमर कस चुका है। कांगड़ा के जिलाधीश राकेश प्रजापति ने इसी सिलसिले में कांगड़ा की 748 पंचायतों में चल रहे तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए हर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी यानी BDO के साथ बैठक की और पंचायत में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रजापति ने तमाम BDO को आगाह किया कि ये वक्त कोरोना की चपेट में है, जिसकी वजह से आज हर कुछ अव्यवस्थित हो चुका है। यहाँ तक कि विकास संबंधी प्रोजेक्ट्स अधर में लटक चुके हैं। कोरोना अपने हिसाब से आया है और अपनी ही चाल से चलेगा। बावजूद इसके व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हमें अपनी रणनीति के तहत चलना होगा, यानी हमें कोरोना को भी हराना है और विकास कार्यों को भी पटरी पर लाना है। इसलिए किसी भी सूरत में अब कहीं भी विकास कार्य थमना नहीं चाहिए, उसे वही गति देनी होगी जो कि कोरोना काल से पहले थी। अब कोरोना को प्राथमिकता के बजाय सेकेंडरी स्तर पर रखकर हमें विकास कार्यों को ही तरजीह देनी होगी। इतना ही नहीं, जिलाधीश राकेश प्रजापति ने इसके लिए बकायदा एक डेवलपमेंट टास्क फोर्स बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स हर पंचायत स्तर पर जाकर विकास कार्यों का जायजा भी लेगी। जो सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं वो जमीन पर दिख भी रहे हैं या फिर आज भी कोरोना के नाम पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं। जिलाधीश राकेश प्रजापति ने अब किसी भी सूरत में विकास कार्यों को न रोकने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अनलॉक 2.0 शुरू हो गया है और हम उसके बीचों बीच में हैं इस वक्त, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो तेज़ी के साथ चलें और जो हमारी पंचायतें हैं वहाँ पर काम सुचारू रूप से चले। और यही वजह है कि ये दूसरी BDO की बैठक थी पिछले एक महीने में। हमारी कोशिश यही है कि हर फोर्टनाइट में BDO के साथ ब्लॉक्स में जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको रिव्यू किया जाए और कोशिश किया जाए कि जहाँ कमी बेसी है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, और गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम्स जो चलाई गई हैं उन सारी स्कीम्स पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, जहाँ पर कोई कमी हमको नज़र आती है वहाँ पर ज़रूर उनको बताया जाता है कि इस प्रकार की जो स्थिति है आगे ना हो, और ऐसे में कुछ एक दो ब्लॉक्स में कुछ कमियां हैं और पिछले एक महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा करें। हमारे स्तर पर तो निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए उनकी, और साथ ही साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि हमारी एक हेडक्वार्टर की टीम भी अब उन ब्लॉक्स में जाएगी और वहाँ पर इंस्पेक्शन करेगी और उनके जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको वहाँ पर ब्लॉक्स में ही रिव्यू किया जाएगा।